अम्मा अम्मा हमका माफ कर दो, हम जानते हैं कि हमरा पहला माफी भी नहीं हुआ और हम दूसरी बार माफी मांगने आ गए, लेकिन अम्मा ये जो ललिता मैडम जी है ना, वो जो बता रही है वो सच है, इनकार हमरे भतीजों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अम्मा अब हमको ना जल्दी माफ कर दो। कहीं ललिता ही तो जमुनिया दीदी से कोई नया नाटक नहीं करवा रही। हम बहुत जरूरी मीटिंग में हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है? मैडम जी, हमको माफ कर दीजिए। वो रंजू की बदमाश बेटियों के कारण सारा गुड़ गोबर हो गया। वो मजबूरी में ना अपना सारा गलती मानना पड़ा। लेकिन मैडम जी, हम अभी भी सुधरे नहीं हैं। हम आज भी आपके लिए लायल हैं। आप चाहे तो आजमा कर देख लीजिए। ननंद रानी, इसलिए तो आपको बुलाया है, आपकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, और आपको आपकी गलती सुधारने का मौका भी हम जरूर देंगे। हिया दादा, सच्ची में मैडम जी, आप इस बार देखिएगा, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। जान पर खेलने की जरूरत नहीं है ननंद रानी, सिर्फ जानलेवा एक्टिंग करनी है। एक्टिंग? अरे एक्टिंग में तो हम मोना लिसा को भी पीछे छोड़ दें। बस आप बताइए हमें करना का है। बता देंगे जल्दी क्या है, पहले हमें आप ये बताइए कि ये पर्स के अंदर बड़ा वाला बैग लाए हैं कि नहीं। निकालिए। जल्दी कीजिए। हाँ हाँ मैडम जी, ये लीजिए। और ये लीजिए। मैडम जी, इतने सारे पैसे? ये पैसा नहीं रुपया है, ये कीमत है हमारे सर पे लगा हुआ सच्चा इल्जाम को झूठा साबित करने की। मैडम जी, आप समझिए आपका काम हो गया। इतने सारे रुपए के लिए सारा इल्जाम हम अपने सर पर ले लें? नहीं नरेंद्र रानी, हमारे सर पे जो इल्जाम लगा है एक बार हट जाएगा ना, बदले में अम्मा जी से माफी दिलवाने की गारंटी हमारी। एक बार हम पाक साबित हो जाए ना, तो रंजो और उसकी बेटियां अपनी नजरों में तो गिरी जाएगी पर मिश्रा जी की नजरों से भी दूर हो जाएगी। मैडम जी, आप इत्मीनान रखिए, इस बार ऐसा खेल खेलेंगे ना कि सब लोग मान जाएंगे कि आप निर्दोष हैं। तो फिर जाइए अपने परफॉर्मेंस की तैयारियां कीजिए। ठीक है मैडम जी। अम्मा हमका माफ कर दो। तो पहले हमारा पैर छोड़ो। नहीं, हम पैर नहीं छोड़ेंगे। आपका पैर छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। अम्मा हमका पैसा की बहुत जरूरत थी, इसीलिए इतना बड़ा गलती हो गया। हमको तो ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आप तो हमारी अम्मा हो ना। हाँ हाँ ठीक है, चल पहले पैर छोड़ो, दूर हटो। दीदी आप क्या कहना चाह रही हैं? आराम से बताइए। भाऊ जी, आपको याद है हमने आपसे पैसे मांगे थे और आपने हमें पूरे 5,000 रुपए दिए थे। हाँ याद है। वो 5,000 रुपए से हमने 5 टेस्ट करवाए थे आपके नंदोई जी के। वो 5 बार डॉक्टर बोला कि दिल का बीमारी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी विशेष ना हमारे पास आया भगवान बनकर। पापा को इतना बड़ा शैतान को भगवान तुम है? तो कब विशेष ने भी तुम्हारा मदद किया? हाँ, वो फौरन ना अस्पताल में गया और पूरा अपने पॉकेट से पैसा भर दिया और बोला कि हमने तुम्हारे पति की जान बचाने के लिए 3,00,000 रुपए भरे हैं, तो अब हम बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा, इसीलिए हमका उनको हाँ बोलना पड़ा। अरे किस बात के लिए हाँ बोलना पड़ा? हमारी बेगुना मैडम जी को फंसाने के लिए। उसने ना उसके पहले ही वर्मा जी और गुप्ता जी को अपने साथ कर लिया था। हम भी हाँ बोलने के बाद उनकी टीम में आ गए। ये सब कैसे हो सकता है माँ? शीश ऐसा कैसे कर सकता है? हमको भी विश्वास नहीं होता, एक रिश्ता के लिए ना करने पर वो इतनी बड़ी साजिश रचेगा। भौजी, हमका पता है कि आप लोग हमें माफ नहीं करेंगे, लेकिन भौजी आप ना ये विशेष से सावधान रहिएगा।
वो गुड्डू भैया और आप लोगों से ना बदला लेना चाहता है। हम तो पति का जान बचाने के लिए ना गलत रास्ते पे चल गए, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अम्मा जी आप बैठ जाइए। तुम तो रहने ही दो। अगर हम इनकी कहानी पर विश्वास भी कर ले तो ये बात बताइए कि बुनिया हमले सेंटर पे क्या कर रही थी? ओ को तो विशेष ने नहीं भेजा होगा ना? बुनिया बुनिया यहाँ आओ। तुमको सिलाई सेंटर में किसने काम के लिए भेजा था? बताओ बुनिया सच्चाई क्या है? हमसे गलती हो गई मैडम जी। उस दिन आपसे छुट्टी लेके हम गांव नहीं गए थे, इनके सिलाई सेंटर में काम कर रहे थे। क्या ना बड़ा झूठ! तुम जाके इनके सिलाई सेंटर में काम कर रही थी, लेकिन क्यों? हम क्या करते मैडम जी, उस विशेष ने हमें ये सब करने के लिए मजबूर किया। उसके भाऊजी ने हमें आपके यहाँ काम पे लगवाया था। विशेष ने उसी एहसान के चलते उसने हमसे ये सब करवाया और उसने हमें इसका पैसा भी दिया, बोला किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैडम जी हमें माफ कर दीजिए, हम उस बेईमान के झांसे में आ गए। इतनी बड़ी आस्तीन की सांप निकली तुम, दिल तो करता लाख मर के घर से बाहर निकाल दो। मैडम जी हमें मत निकालिए, ये घर छोड़ना ना पड़े इसीलिए हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। चलिए मान लेते हैं कि ये भी सच है, लेकिन आपके लकी विकी ने जो हमारे साथ कॉलेज में बदतमीजी की थी, क्या उसमें भी कोई साजिश थी? वो शालू डैड ने हमें बताया था कि जो विशेष का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर तुम्हारे घर आए थे वो तुमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम लोग डैड को लाइक नहीं करते थे। और ये बात मुझे और विकी को बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि हम दोनों ये समझते थे कि तुम ये सब कुछ ना जान मुझके डैड की इंसल्ट के लिए कर रही हो, तो बस बदला लेने के लिए। लेकिन शालू हम लोग तुम्हें नहीं पहचानते थे, वो तो विशेष के दोस्त के थ्रू हमें पता चला कि तुम हमारे डैड की दूसरी वाइफ की दूसरी फैमिली से हो।